कई बार हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में सी ड्राइव फुल हो जाने के कारण कई प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप काफ़ी स्लो हो जाता है, हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगता है, हम अपने कंप्यूटर को जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी स्लो स्टार्ट होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सी ड्राइव को बिना फॉर्मेट किए उसके साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव 258 GB का है और डी ड्राइव 206 GB का है। मैं अपने सी ड्राइव के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए हम दिस पीसी में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ मैनेज में क्लिक करें, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करें। ये हमारा सी ड्राइव है और ये हमारा डी ड्राइव है। मैं डी ड्राइव से कुछ पार्टीशन सी ड्राइव में ऐड करूँगा, उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ श्रिंक वॉल्यूम में क्लिक करें। यहाँ से आप पार्टीशन में जितना भी साइज़ ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ आप इंटर कर दें। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 3 GB का पार्टीशन सी ड्राइव में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 3 लिखकर 30 बिठा देता हूँ। यहाँ श्रिंक में क्लिक करें, आप देख सकते हैं यहाँ 2.93 GB का एक अनलोकेटेड पार्टीशन बन चुका है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सी ड्राइव में इस पार्टीशन को ऐड करने के लिए हमें एक छोटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो लगभग 2 MB का है। उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं टाइप करूँगा मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, यहाँ से आप इसे ओपन कर ले, यहाँ क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर ले। मैं इसे ड्रैग करके डेस्कटॉप में ले जाता हूँ। अब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, यहाँ ओके में क्लिक करें। हमें केवल ये सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना है, इसीलिए हम नीचे वाले को अनटिक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, अब हम फिनिश में क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर का सभी पार्टीशन यहाँ शो हो रहा है। अब जैसे मुझे सी ड्राइव के साइज़ को एक्सटेंड करना है तो मैं सी ड्राइव में राइट क्लिक करूँगा, यहाँ एक्सटेंड में क्लिक करें, यहाँ से आप उस पार्टीशन को सेलेक्ट कर लें जिस पार्टीशन से आप सी ड्राइव में स्पेस को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप इस पार्टीशन से जितने भी GB को सी ड्राइव में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ ओके में क्लिक करें, यहाँ अप्लाई में क्लिक करें, यहाँ यस में क्लिक करें। हमारे सी ड्राइव का पार्टीशन एक्सटेंड होना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, तो आप वेट करें। यहाँ आप देख सकते हैं सक्सेसफुल का पॉपअप आ चुका है, यहाँ ओके में क्लिक करें। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपने कंप्यूटर के पार्टीशन को चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर के सी ड्राइव का साइज़ एक्सटेंड हो चुका है। तो इसी तरह आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सी ड्राइव के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।